हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचेश मेरा ब्लॉग। और मैं हूँ रिचा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग बैठे हुए स्टेशन पे, हम हमारी ट्रेन का वेट कर रहे थे और अभी टाइम हो रहा है 9:15 रात का। और आप देख सकते हो कि रेलवे स्टेशन में अभी रात में भी इतनी अच्छी क्लीनिंग हो रही है। देन हमारा इंतज़ार हुआ ख़त्म और हमारी ट्रेन एकदम राइट टाइम पर दुर्ग के प्लेटफॉर्म पे आ गई और हम अपनी सीट पर जाके बैठ गए। रात में खाना खाने के बाद हम बहुत ही आराम से सो गए और ये मॉर्निंग का टाइमिंग था जब हम सो के उठे थे। आप देख सकते हो कि मेरी नींद बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पूरी हो चुकी थी और मेरा फेस बहुत ही स्वेलिंग स्वेलिंग सा लग रहा था। उसके बाद लग गई हमें भूख, लेकिन हम भोपाल के स्टेशन का वेट कर रहे थे क्योंकि भोपाल के स्टेशन में बहुत ही अच्छा नाश्ता मिल जाता है, तो हम हमेशा भोपाल के ही स्टेशन में नाश्ता करते हैं। और 9 बजे के करीब भोपाल का स्टेशन भी आ जाता है और अब फाइनली हम पहुंच चुके हैं भोपाल के स्टेशन में हमारे लिए अच्छे नाश्ते की खोज में। मॉर्निंग का टाइम होता है इसलिए हर जगह नाश्ता फ्रेश ही मिलता है, बट भोपाल के कैंटीन में जो नाश्ते का प्राइस होता है और जो नाश्ता होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो फाइनली ये जो सामने वाला कैंटीन है वहाँ पे हमें सब चीज़ गरम मिल गया, मीन्स समोसा, ढोकला और इडली सांभर, सारी चीज़ें हमें गर्मा गर्म मिल गई। नाश्ता करने के बाद भी हमारा 2 से 2.5 घंटा बचा हुआ था उज्जैन पहुंचने के लिए, तो फिर हमने पी चाय। ट्रेन में चाय पीने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। और फाइनली हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, मीन्स उज्जैन पे, और हमने ट्रेन को कर दिया बाय बाय। अब जाना है हमें अपने होटल पे, जहाँ पे हम हर समय जाके रुकते हैं। एक्चुअली हम जब भी उज्जैन जाते हैं तो हम सेम होटल पे ही रुकते हैं क्योंकि हम जिस होटल पे रुकते हैं वो मंदिर के बहुत ही ज़्यादा पास है, तो सिर्फ वॉक करके ही हम मंदिर आराम से जा सकते हैं, इसलिए हम पहले से ही रूम बुक कर चुके होते हैं। और गाइस, उज्जैन में अगर आप पहले से ही होटल बुक कर चुके होते हो तो फिर यहाँ पे ऑटो वाले का चार्ज कम होता है, बट अगर आप लोग कोई होटल बुक नहीं किए हो और ऑटो पे जा रहे हो तो ऑटो वाले लोग पहले से ही चार्ज डबल कर देते हैं। और ऑटो वाले सिर्फ अपनी पहचान के होटल्स पे लेके जाते हैं जहाँ पे उनके कमीशंस बनते हैं, तो हमें बिल्कुल भी चॉइस नहीं मिल पाती कि हमें कहाँ रहना है। एंड हमें होटल तक जाने के लिए मिल गया था ऑटो। और इस बार हम गणेश जी के टाइम पे उज्जैन आए हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़े थोड़े दूर पे ही गणेश जी बैठे हुए थे। इस बार हमें उज्जैन के भी गणेश जी देखने को मिले। तो गाइस, बस हम अपने होटल पहुंचने ही वाले हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रिचेश मेरा व्लॉग। बाय गाइस।